Hey, what's up guys, अनुज हियर एंड वेलकम टू द DSA 1 कोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं एरेज के बारे में। आज हम एरेज के अंदर थोड़ा और आगे मूव कर रहे होंगे और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे होंगे विच इज मैक्सिमम सम सब एरे, और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम जो कि होते हैं कडेंस एल्गोरिदम, वो हम देख रहे होंगे। ये वाला क्वेश्चन और इस वाले एल्गोरिदम को काफी सारी कंपनीज ऑलरेडी पूछ चुकी हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आपकी पेपैल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, हर कंपनी ने एक ना एक बार इससे पूछा ही हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक कंसेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है कडेंस एल्गोरिदम, वो आज हम समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन क्या है, बेसिकली क्वेश्चन है मैक्सिमम सम सब एरे, मतलब आपको एक एरे दे रखा है उसके अंदर से आपको एक छोटा पार्ट उस एरे का ढूंढना है, सब एरे ढूंढना है जिसका सम सबसे ज़्यादा है। सपोज करो ऐसा कुछ एरे है और इसके अंदर आपके बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एलिमेंट प्रेजेंट हैं, और इसके अंदर से आपको एक छोटा सब एरे ढूंढना है जिसका सम सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो हमें यहाँ पर मिलेगा ये वाला, राइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी सब एरे है, मतलब 4, 6, -3 और 4, इसका सम सबसे ज़्यादा है। ऐड करेंगे 4 + 6 = 10 + 4 = 14 - 3 = 11, ठीक है। तो सम यहाँ पर निकल के आता है हमारा 11। बेसिकली ये हमारा वो क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने के मल्टीपल टेक्निक हो सकती है। मल्टीपल टेक्निक आपके दिमाग में ऑलरेडी आ रही होंगी, लेकिन जो सबसे एफिशिएंट टेक्निक है वो है हमारी कडेंस एल्गोरिदम, वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले ब्रूट फोर्स सोचते हैं, है ना, हर क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। ब्रूट फोर्स इसके अंदर कैसा बन रहा है, तो मैं मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बेसिकली सब एरे तो ढूंढना, और सब एरे का क्वेश्चन जब भी है ना कि सब एरे ढूंढो इसके अंदर, कि सब एरे बताओ, तो सब एरे को ढूंढने के लिए ना आपका जो ब्रूट फोर्स होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सारे के सारे सब एरे ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। जितने भी एरे हैं इसके, जितने भी सब एरे इसके अंदर बन सकते हैं, सबके सब सब एरे देख लेता हूँ और फिर उनमें देखता हूँ कि सम क्या आ रहा है सबका, और जो मैक्सिमम सम वाला सब एरे होगा वही मेरा आंसर होगा। इस एरे के अंदर सारे सारे सब एरे अगर आपको ट्रैवर्स करने हैं तो वो एक टेक्निक हो सकती है जो कि हमारी दो फॉर लूप से बनेगी। क्या होगी, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला सब एरे होगा -5 to 5, अगला होगा -5 to 4, अगला होगा -5 to 6, -5 to -3, -5 to 4, -5 to -1, ठीक है। ये वाला सब एरे हमने देख लिए जो कि -5 से स्टार्ट होते हैं। अब उन सब एरे को देखते हैं जो 4 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 4 से 4, 4 से 6, 4 से -3, 4 से 4, 4 से -4, ठीक है। तो हमने वो सारे सब एरे देख लिए जो कि इस 4 से स्टार्ट होते हैं। अब अगले पर जंप कर जाते हैं 6 पे, अब वो सारे सब एरे देखते हैं जो 6 से स्टार्ट होते हैं। तो 6 से 6, 6 से -3, इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे, सारे के सारे सब एरे इस तरीके से हम देख लेंगे, और जो हमारा आंसर होगा वो ये वाला सब एरे होगा 4 to 4, ठीक है। और ये हम रिटर्न कर देंगे। इसका कोड बहुत ही सिंपल रहने वाला, बेसिकली ऐसा कुछ होगा, पहला फॉर लूप होगा जिसके अंदर हम एक इंट चल रहे होंगे ऐसा कुछ, और एक दूसरा सब एरे होगा इसके अंदर, दूसरा फॉर लूप होगा इसके अंदर, इसके अंदर नेस्टेड, जो कि आई से चलेगा एन तक, और ऐसे करते करते आप सारे के सारे सब एरे ट्रैवर्स कर लोगे, राइट। ऐसे करते करते सारे के सारे जितने भी इसके अंदर सब एरे बन सकते हैं सबके सब ट्रैवर्स कर लोगे। एक सम बनाते चलेंगे हम, इंट सम, और वो सम हम कैलकुलेट करते चलेंगे पूरे टाइम, और एक मैक्स सम यहाँ पे हम बना के चलेंगे कि मैक्सिमम सम कितना आ रहा है, ठीक है। और सपोज करो माइनस इन्फिनिटी हम रख देंगे इसको फिलहाल के लिए, और जब भी हमें लगे कि यार ये सम इस मैक्सिमम सबसे बड़ा है तो हम उसको फिर मैक्सिमम में डाल देंगे, और ऐसे करते करते हम फाइनली रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम। तो ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो निकल के आ रही है वो आ रही है बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, राइट, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर आ रही है। आप बोलोगे ठीक है मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ गई बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, इंटरव्यूअर बोलेगा यार काफ़ी अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है ये, और थोड़ा इसे ऑप्टिमाइज़ करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे ठीक है इसे ऑप्टिमाइज़ करता हूँ मैं। तो पिछला वाला अगर आपको याद हो, पिछला वाला क्वेश्चन, तो हमने उसके अंदर क्या किया था, हमने सॉर्ट कर दिया था एरे को, लेकिन मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि वहाँ पर आपको सॉर्ट तभी करना चाहिए जब आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। यहाँ पर जैसे ही आप इसको सॉर्ट करोगे वैसे ही आपका ऑर्डर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अब हो जाएगा ये एरे -5, -3, -1, 4, 4, 6, ऐसा हो जाएगा। तो सब एरे ढूंढना था आपको इसके अंदर, आपने ऑर्डर ही उल्टा सीधा कर दिया तो क्वेश्चन कुछ बना ही नहीं अब तो, ठीक है। सब एरे आप ढूंढ नहीं सकते, तो इसका मतलब सॉर्टिंग इज आउट ऑफ पिक्चर, सॉर्टिंग तो हम कर ही नहीं सकते इसके अंदर, ठीक है। सॉर्टिंग नहीं कर सकते मतलब सॉर्टिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आनी थी, बाइनरी सर्च वगैरह, सब आप छोड़ दोगे, एन लॉग एन तो नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हो सकता है हम स्पेस यूज़ कर सकते हैं, राइट। स्पेस यूज़ करके क्या पता इसे हम सॉल्व करने का ट्राई कर सकें। तो एक बार जरा सोचो, चीज़ें सोचो, क्या स्पेस यूज़ करके हो रही है चीज़ या फिर कुछ और चीज़ दिमाग में आ रही है, जरा वो सोचने का ट्राई करो, सोचो। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर सोचा होगा तो यहाँ पर स्पेस यूज़ करके भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि स्पेस भी आप यूज़ करोगे तो भी आपको सारे के सारे सब एरे तो एक बार देखने ही पड़ेंगे, सारे के सारे सब एरे देखने पड़ेंगे, तो अगेन भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन ओ ऑफ एन स्क्वायर ही होगी। तो स्पेस यूज़ करके भी यहाँ पर कुछ बात बनने नहीं वाली, क्योंकि सारे सारे सब एरे फिर भी देखने ही पड़ेंगे, तो फ़ायदा क्या हुआ, स्पेस नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पर फिर अगेन। अब लेकिन अभी भी बोला जा रहा है कि इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, तो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और लॉजिक सोचना पड़ेगा जिससे ये वाला क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन
क्या था सबसे पहले क्वेश्चन था मैक्सिमम सम सब एरे, ठीक है, मतलब एक ऐसा सब एरे ढूंढना है जिसका सम सबसे ज्यादा बड़ा है, सम सबसे ज्यादा है। सपोज करो शुरुआत करते हैं एक छोटे प्रॉब्लम से, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एरे के अंदर था सिर्फ वन, अच्छा एरे के अंदर वन है तो आंसर है वन, एरे के अंदर सपोज करो आया टू, अब एरे के अंदर है वन और टू, सिर्फ वन और टू, तो वन और टू को ऐड कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, थ्री, थ्री इज द आंसर। वन टू थ्री सपोज करो एरे के अंदर ये था तो हमारा अगेन वन टू, वन प्लस टू प्लस थ्री मतलब सिक्स। मतलब एक चीज़ समझ रहे हो, यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है हमें, अगर सारे के सारे एलिमेंट पॉजिटिव है ना तब तो हम उन सभी एलिमेंट्स का सम कर देंगे और वही हमारा आंसर होगा, राइट। इसके अंदर अगर आप बहुत सारे पॉजिटिव एलिमेंट लाते जाओगे तो हम तो बस कुछ नहीं करेंगे, सबको सम कर देंगे और यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, हम बोलेंगे ठीक है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम इसके अंदर एक नेगेटिव एलिमेंट डाल देते हैं, राइट, एक नेगेटिव एलिमेंट डाल देते हैं। सपोज करो यहाँ पे मैंने वन के बाद माइनस टू कर दिया, तब जरा सोचते हैं, अब इसके अंदर नेगेटिव एलिमेंट्स के साथ हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर दो एलिमेंट है वन और माइनस टू, तो क्या मैं माइनस टू को इंक्लूड करूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, माइनस टू को बिल्कुल इंक्लूड नहीं करूंगा मैं, तो मेरा आंसर हो जाएगा वन, ठीक है, वन आंसर है। अब सपोज करो एरे हमारा वन और माइनस टू के बाद इसके अंदर एक और वन आता है, तो अब क्या आंसर होगा, तो क्या मैं इस वाले वन को और इस वाले वन को और ये पूरा का पूरा सब एरे बनाने का ट्राई करूंगा, अगेन सब एरे है, ठीक है, सब सीक्वेंस नहीं है इसका, मतलब सारे सारे एलिमेंट आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे, तो क्या ये तीनों से हमारा आंसर आएगा, तो तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आता है जीरो, और वहीं मैं किसी एक को यूज़ करता हूँ इस वाले वन को इस वाले वन को तो मेरा आंसर आता है वन, ठीक है। तो मैं बोलूँगा इसका मैक्सिमम सम सब एरे वन है, या तो ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, मतलब मैंने इस वाले को इंक्लूड नहीं किया, ओके। अगर यहाँ पे मैं टू डाल देता हूँ तब क्या होता है, तो माइनस टू प्लस टू हमारा बनता है जीरो और ये होता है हमारा वन। अगर मैं पूरा इंक्लूड करने का ट्राई करूँगा तो ये हो जाएगा वन, राइट। वहीं अगर मैं इस वाले वन को स्किप कर देता हूँ तो मेरा आंसर निकल के आता है टू। तो यहीं से हमें एक और चीज़ दिखने लग जानी चाहिए, मतलब यहाँ पे अगर मैं थ्री करता हूँ या फोर करता हूँ या फाइव करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, सपोज करो मैं थ्री करता हूँ, तो भी मुझे दिख रहा है यार इस थ्री को रखने में ही फायदा है, क्योंकि ये माइनस टू ना इस वाले वन की वैल्यू को कम कर दे रहा है, राइट। इस माइनस टू की वजह से मैं इस वाले वन को इंक्लूड नहीं कर पा रहा, इसका मतलब इसके बाद अगर कुछ और भी होगा, सपोज करो थ्री के बाद मेरा टू आता है या वन आता है, सपोज करो थ्री के बाद कुछ भी आता है, मुझे इतना तो पता है अगर मेरे को थ्री को इंक्लूड करना है तो मैं माइनस टू और वन को इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि इस माइनस टू की वजह से इस वन की वैल्यू कम हो गई है। अगर मैं इस वाले पार्ट को इंक्लूड करने का ट्राई करता हूँ तो मैं माइनस वन को लेके जाता हूँ अपने अंदर, ठीक है, वन प्लस माइनस टू विच इज़ माइनस वन, ये पार्ट मुझे माइनस वन ला के दे रहा है, तो मैं इस पार्ट को इंक्लूड ही क्यों करूँगा। तो यहाँ से हमारे दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि अगर हम ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं, एक एक करके चल रहे हैं, क्योंकि हमें बोल दिया गया कि ओ ऑफ एन में सॉल्व करना है, तो अगर हम एक एक करके चल रहे हैं इसके अंदर, ये वाले पार्ट को हमें नहीं लेना अगर इसका टोटल सम नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अगर किसी पार्ट का, किसी सब एरे का टोटल सम नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब उस वाले पार्ट को इंक्लूड करने का कोई फायदा नहीं है, राइट। अगर इस वाले पार्ट का सम हमें दिख रहा है माइनस वन आ रहा है तो इसको यहाँ पर इंक्लूड करने का फायदा नहीं, क्योंकि ओवरऑल सम को कम ही कर रहा होगा, राइट। ये वाला पार्ट हमारे ओवरऑल सम को हमेशा कम ही करने का ट्राई करेगा, तो हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे, हम इसको बोल देंगे ठीक है भाई तेरा काम हो गया यहीं कहीं, तुम्हारे में से जो मैक्सिमम निकल के आ सकता है वो आ सकता है सिर्फ वन, जो कि इस वन जो ये वन ला के दे सकता है, इसके अलावा तुम और कुछ ला के नहीं दे सकते हमें। तो ये वाला पार्ट यहाँ पर खत्म हो गया। अब यहाँ से हम अगेन सेम कहानी स्टार्ट कर सकते हैं, सेम कहानी अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हमने लिया थ्री, देन हमने लिया टू, थ्री प्लस टू इज़ फाइव, सपोज करो यहाँ पे हमने एक डाल दिया एलिमेंट माइनस सिक्स, देन हमने यहाँ पे डाल दिया फोर, थ्री प्लस टू इज़ फाइव, फाइव है, देन यहाँ पे आया अगला एलिमेंट माइनस सिक्स, तो मैं बोलूँगा फाइव प्लस माइनस सिक्स, ओके। तो यहाँ से इस वाले पार्ट से मुझे माइनस वन मिल रहा है, और अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा फोर पे, तो बोलूँगा क्या मुझे ये पूरा पार्ट इसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए जहाँ पर थ्री और टू मुझे मिल रहा है। मैं बोलूँगा नहीं, थ्री और टू तो मिल रहा है लेकिन यहाँ माइनस सिक्स भी तो है, तो यहाँ पे ओवरऑल मुझे नेगेटिव नंबर मिल रहा है, तो ये मेरे सम को कम ही कर रहा है। मेरे पास अभी फिलहाल फोर मिल रहा है यहाँ से, लेकिन यहाँ से ये सब इंक्लूड करूँगा तो मुझे फोर प्लस माइनस वन विच इज़ थ्री मिलेगा, कोई फायदा ही नहीं है। तो अगेन नेगेटिव एलिमेंट, देखिए आपको नेगेटिव एलिमेंट आपने डिस्कार्ड कर दिए, आपने बोला यार इस वाले पार्ट से जो मैक्सिमम मुझे मिल सकता है वो है थ्री प्लस टू विच इज़ फाइव, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिर्फ फाइव लूँगा और अपना काम कर लूँगा, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब आप फोर के साथ आगे प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहोगे, यहाँ पर समझ में आ रहा होगा हमें ट्रिक क्या है। बेसिकली ट्रिक ये है, आप आगे बढ़ते रहो, लेकिन जैसे आपको लगता है कि सम नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, ओवरऑल सम नेगेटिव आ रहा है, तो उस वाले पार्ट को वहीं के वहीं डिस्कार्ड कर दो और कहानी आगे से स्टार्ट कर दो, सेम कहानी दोबारा से आगे से स्टार्ट कर दो। अब अगेन यहाँ पे फोर आ गया, इसके बाद हो सकता है कुछ भी हो, इसके अंदर हज़ार हो, सौ हो, कुछ भी हो, यहाँ पे अगेन यहाँ पे हो सकता है माइनस 200 हो, तो अब यहाँ से अब अलग कहानी दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, सेम यही वाली कहानी दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगेन फोर मिला, 100 मिला, 104 मिल जाएगा यहाँ से, 104 के बाद यहाँ पे माइनस 200 मिल रहा है, तो हमें बोलेंगे यहाँ पे 104 मिल रहा है, ठीक है, तो 104 ही हमारा आंसर होना चाहिए। 104 आंसर क्यों होगा, 104 के अंदर आप ये वाला पार्ट को नहीं इंक्लूड कर रहे, क्योंकि भाई यहाँ से ये वाला पार्ट इंक्लूड करेंगे तो हमें मिलेगा 3 प्लस 2 5 माइनस 6 विच इज़ माइनस 1, तो अगर इस वाले पार्ट को हमने इंक्लूड करने का ट्राई किया तो 104 से हो जाएगा 103,
103 हमें लेकर फायदा नहीं, 104 में हमें फायदा, तो हम इस वाले पार्ट को डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि इसका ओवरऑल सम नेगेटिव आ रहा था। ठीक है, तो यही चीज होती है हमारी कडेंस एल्गोरिथम। कडेंस एल्गोरिथम इसी चीज के ऊपर बेस्ड है, यही एल्गोरिथम जो मैंने आपको बताई यहाँ पर यही होती है कडेंस एल्गोरिथम। और इसको एक बार मैं कोड कर देता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। ये बेसिकली आपका ओ ऑफ एन में सॉल्व कर देता है। ठीक है, एक ही बार आप पूरे एरे के अंदर ट्रैवर्स कर रहे हो, कोई आपने स्पेस यूज नहीं किया, तो ये बेसिकली आपका ओ ऑफ एन स्क्वायर से ओ ऑफ एन के अंदर ला देता है इसको। ठीक है, काफ़ी ह्यूज ऑप्टिमाइजेशन है ओ ऑफ एन स्क्वायर से ओ ऑफ एन में लाना, तो काफ़ी एक अच्छी एल्गोरिथम है ये। आई थिंक आप लोगों को समझ में भी आ रही हो। इसका जरा कोड करके मैं दिखाता हूँ। ये तो मैंने सेम चीज़ यहाँ पर कोड कर दिया, और ये एक मैक्सिमम सम सब एरे वाला फंक्शन है जो कि एक एरे ले रहा है और उसका काम है मैक्सिमम सम जो निकल के आ रहा है सब एरे के अंदर से वो रिटर्न करना। तो दो वेरिएबल बनाए मैंने, सिंपल मैक्सिमम सम और करंट सम, जो कि मैंने आपको बताया भी था सेम लॉजिक के अंदर। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एक जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक वर्ष जीरो से स्टार्ट करेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो फिलहाल करंट सम कितना, करंट सम है करंट सम प्लस ए आई। ठीक है, तो करंट सम इनिशियली जीरो था, तो जीरो प्लस ए आई मतलब करंट एलिमेंट जो है। तो सपोज फॉर ये वाला एरे लेके चल रहा हूँ मैं, ये वाला एग्जांपल है 5-4-2-6-1, तो करंट सम हो जाएगा हमारा फिलहाल के लिए 5। ठीक है, तो करंट हो जाएगा हमारा 5 और मैक्सिमम सम के अंदर फिलहाल जीरो था, राइट, इनिशियली जीरो था। तो मैंने चेक करेंगे कि हमारा जो करंट सम निकल के आ रहा है वो हमारा मैक्सिमम सम से बड़ा है, तो हाँ ऑब्वियसली 5 इज ग्रेटर देन जीरो, तो मैक्सिमम सम हमारा हो जाएगा करंट सम के बराबर, तो मैक्सिमम भी हमारा हो जाएगा 5 के बराबर। ठीक है, और हम चेक करेंगे हमारा करंट सम नेगेटिव हो चुका, तो हाँ करंट सम अभी नेगेटिव नहीं हुआ, हम अगले इटरेशन में जाएंगे, अगले एलिमेंट को भी करंट सम के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो माइनस फोर को वो ऐड करेंगे 5 के अंदर, तो 5+-4 विच इज़ 1। ठीक है, तो करंट सम हमारा हो जाता है 1। हम चेक करेंगे हमारा मैक्सिमम जो है वो करंट सम से कम है, छोटा है, मतलब करंट क्या हमारे मैक्सिमम सम से बड़ा है, तो ऐसा नहीं है, तो कुछ नहीं करेंगे। और करंट सम साथ में नेगेटिव भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं करेंगे, अब अगले एलिमेंट पर जाएंगे। ठीक है, अगले एलिमेंट को ऐड करेंगे करंट सम के अंदर। ठीक है, सेम चीज़ करंट के अंदर ऐड करेंगे, तो -2 को ऐड करेंगे 1 के अंदर, तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्या ये मैक्सिमम सम से बड़ा है, तो नहीं मैक्सिमम सम से बड़ा नहीं है। क्या ये नेगेटिव है, हाँ ये नेगेटिव है, तो अगर ये नेगेटिव है तो करंट सम को वापस जीरो कर दो। ठीक है, वही चीज़ कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ओवरऑल नेगेटिव ला के दे रहा है, तो इस वाले पार्ट को डिस्कार्ड कर देते हैं, और क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है तो करंट सम को बोलते हैं जीरो, मतलब इस वाले पार्ट से हमारे आंसर आने वाला नहीं है। इस वाले पार्ट से जो मैक्सिमम निकल के आ सकता है वो है 5, तो मैक्सिमम को हमने अपने पास रख लिया, लेकिन इस वाले पार्ट का योगदान यहीं तक था, इस वाले पार्ट को हम आगे कंसिडर नहीं करने वाले। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा 6, तो करंट सम के अंदर हमने 6 ऐड किया, तो 6 ऐड किया तो करंट सम हो जाएगा 6, तो 6 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5। ठीक है, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो हम यहाँ पे आएंगे, क्या करंट सम इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, तो हाँ करंट सम इज 6 विच इज ग्रेटर देन 5, तो मैक्सिमम सम हो जाएगा हमारा 6 के बराबर, और नेगेटिव नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। देन हम यहाँ पे देखेंगे -1 को, तो करंट सम के अंदर हम -1 को इंक्लूड करेंगे, तो ये हो जाएगा 6-1 विच इज 5। क्या ये मैक्सिमम सम से बड़ा है, तो नहीं मैक्सिमम सम से बड़ा नहीं है, तो मैक्सिमम सम हमारा एंड में आएगा 6, लूप खत्म हो जाएगा, हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे मैक्सिमम सम। ठीक है, रिटर्न कर दिया हमने फाइनली मैक्सिमम सम। आई होप आप लोगों को ये वाली लाइन दिख रही हो। तो इस तरीके से ये वाली कडेंस एल्गोरिथम काम करती है, और ये वाली एल्गोरिथम आपकी बिग ओ ऑफ एन में कन्वर्ट कर देती है इस वाले सॉल्यूशन को। एक और चीज़, अगर सारे सारे एलिमेंट नेगेटिव हैं तो ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा वहाँ पे आपको। आप लोगों को मैं टास्क दे रहा हूँ एज अ टास्क, कि सारे सारे एलिमेंट अगर नेगेटिव हैं तो ढूंढने का ट्राई करो इस वाले प्रॉब्लम के अंदर, इस वाले जो सॉल्यूशन के अंदर क्या इशू है, जो कि सारे सारे एलिमेंट अगर नेगेटिव हैं तब आंसर ला के नहीं देगा, और उसको ठीक करने का ट्राई करो। ठीक है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, सारे सारे अगर एलिमेंट नेगेटिव हैं तो थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व होता है ये वाला, तो इसी के अंदर थोड़े से ट्वीक्स करने और आपका ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ यार ये वाला जो भी कोड वगैरह जो भी है वो अगेन मैं लिंक में आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हो। इसी के साथ ये वाली वीडियो खत्म करते हैं। इस वाले के अंदर हम देखा कडेंस एल्गोरिथम, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम थी। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।